मेरा नाम सुखदेव सिंह है, मैं महासचिव फायर ब्रिगेड से, नगर पालिका से ऑडिटर हूँ। ये हमारा इनको 4 तारीख को और 5 तारीख को इन्होंने बाहर निकाल दिया था, डोर टू डोर वाला को, जो घरों से कूड़ा कलेक्शन करते हैं। लेकिन हमारा सरकार के साथ कई बार समझौते हैं इसके बारे में भी, डोर टू डोर जो है नगर पालिका के कर्मचारी माने जाएँ। अब कई नगर पालिकाओं में, जमुना नगर है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, हिसार है, भी कई जगह जो है ना डोर टू डोर नगर पालिका के ही कर्मचारी माने गए हैं। तो यहाँ कुछ इश्यूज को लेके, जैसे डीसी रेट दिया जाए, वर्दी वगैरह दी जाए, छुट्टियाँ दी जाए। देखो जो वर्क है, लेबर वर्क है, लेबर वर्क को भी अपने समाज और ये चलाने होते हैं, तो 24 घंटे काम तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ी मांगे रखी थी, जिस बाबत वो ठेकेदार ने इनको निकाल दिया था। लेकिन अब प्रशासन के आने से और यूनियन के, हमारी यूनियन के दबाव से और एसकेएस की यूनियन के दबाव से और डी उपायुक्त महोदय और ईओ साहब और ठेकेदार के माध्यम से हमने पूरा प्रेशर बनवा के, दबाव बनवा के इनका समझौता करवा दिया है। दोबारा इनको ज्वाइन करवाया भी, चलो डीसी जो रेट है वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बार इनको दोबारा आज से जो 27 तारीख से ठेकेदार से हमारा समझौता हो गया, 27 तारीख से लेके एक तक इनको हम ड्यूटी पे ले लेंगे। और हमारा कल इसी हिसाब पे समझौता हुआ और इनका उन्होंने कहा भी 1 तारीख तक ना हुआ तो दोबारा हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय जी, लोकल सिरसा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे अभी पूरा आंदोलन आपका? आज के जो 4 तारीख से और आज तक जो आंदोलन चल रहा था, कल तक था, आज तो हमने धरना उठा दिया है कल का समझौते के बीच में। सबसे पहले तो मैं प्रशासन, नरेश जी हमारे जो नगर पालिका के प्रधान जी हैं और सिरसा इकाई के जिला प्रधान जी मनोज अठवाल जी और फायर ब्रिगेड नगर पालिका संबंधित से सुखदेव जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। एसकेएस से मदन लाल खोज जी और सचिव राजेश बाकर जी, साथ ही साथ में उनके साथ ईओ और एक्शन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बीच बचाव करके हमारा समझौता करवाया। समझौते में ऐसा बना था कि 2-3 बार हमारी वार्ताएं हुई थी, वार्ताओं के बीच में समझौता नहीं बना, जिसके कारण कुछ शर्तें ऐसी रखी गई थी जिनके बिहाव पे वो समझौता होना भी नहीं था, कि सिरसा में नहीं कहीं और अदर गांव में कहीं जो करा दें, एज इट इज़ नहीं हुआ। अब जो हमारा समझौता ये हुआ कि एज इट इज़ जहाँ जहाँ ड्राइवर थे वे 24 को वैसे के वैसे ड्यूटी पर ले लिया जाएगा। रही डी सी रेट की बात, वो यूनियन ने अपने बिहाव पर और ईओ साहब ने बिहाव पर अपने पर फैसला ले लिया, जैसे भी कोई ऊपर से संज्ञान होगा उसका मुद्दा हमारा चल रहा है। डीसी रेट ऊपर से जैसे लागू हुआ, कोई लेटर आता है फुल सैलरी का, वो सैलरी वैसे दे दी जाएगी। तो कब से आपकी ज्वाइनिंग होगी? हमारी ज्वाइनिंग आज 4 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, 1 तारीख तक सब लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अदरवाइज हमारा कोई एक पर्सन भी रहता है उस समझौते के बीच में, खुद ठेकेदार के द्वारा ये बयान दिया गया था कि एक बंदा भी अगर आपका रह जाता है तो आप अधिकार आपको आंदोलन दोबारा स्टार्ट करने का। हाँ जी।